उदयपुर टू आगे जाता है चित्तौड़गढ़ 120 किलोमीटर पूरा हाईवे फेल हो गया बिकॉज वहाँ एग्रीगेट ग्रेडेशन जो हमारी अलाउड लिमिट्स हैं उससे कम था, बाहर था सारा। इतना छोटा मिस्टेक और 120 किलोमीटर का नेशनल हाईवे फेल। हम लोग ब्लेम डाल देते हैं, बिटुमेन का ब्लेम होगा, डिज़ाइन का ब्लेम होगा, कुछ नहीं, एज सिंपल एज एग्रीगेट। इसी तरह बीकानेर का प्रोजेक्ट हमने किया ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर और रटिंग ऐसी पहले साल में इतनी ज़्यादा 30-40 मिलीमीटर की रटिंग पेवमेंट में। और क्या गलती करी कि जब उनकी क्वेरी चेंज हो रही थी बीच में, उन्होंने वही जॉब मिक्स फॉर्मूला अगले वाले पे भी लगा दिया बिना दोबारा चेक किए कि जब मेरी क्वेरी चेंज हो रही है तो मेरी एग्रीगेट प्रॉपर्टीज भी तो बदल रही है, उसको चेक ही नहीं किया। सो एग्रीगेट और बिटुमिन प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो मेजर फेलियर आते हैं पेवमेंट में। लोडिंग और डिज़ाइन तो बात की बात है, हम इसी को इग्नोर कर जाते हैं। सो ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव ने काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव बता दिया। पीजी ग्रेडिंग अभी हमारे कंट्री में सब बाइंडर्स पे नहीं है। एज पर बीआईएस पॉलीमर मॉडिफाइड बाइंडर्स को हमने पीजी ग्रेड कर लिया है, लेकिन जो हमारे अनमॉडिफाइड बाइंडर्स हैं वो अभी भी विस्कोसिटी ग्रेडिंग पे हैं। बट आने वाले टाइम में सब कुछ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग पे होने वाला है बिकॉज ये गवर्नमेंट में हम सीआरआरआई से सब लोग हम लोग कमेटीज में हैं जो कोड बनाते हैं और बाकी इंस्टीट्यूट्स भी रिसर्च लैब्स। वी हैव रियलाइज्ड कि साइट पे इंजीनियर कभी भी ये सारी प्रॉपर्टीज चेक नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, किसी एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट आएगा, आप देखेंगे ये तो पास हो रहा है, लगा दीजिए। सो अब उस सिलेक्शन को ईजी करने के लिए कि आपको ये पता है कि मेरा इतना ट्रैफिक है, इतना मैक्सिमम और लोअर टेम्परेचर है, आपको ये बाइंडर लगाना है उसको इजी करने के लिए, सो दैट आपको इतने ही सारे 10-12-15 टेस्ट ना करने पड़े और हो सके हम फील्ड में फेलियर कम से कम हो। बट स्टिल इन दोनों चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है, एग्रीगेट एंड बिटुमेन। गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, जो आने वाले टाइम में आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं रोड बनाने का विदाउट रिसाइकलिंग। अब उसको हम चाहे कोल्ड से करें या हॉट से करें, उसको आप चाहे FDR का नाम दे दो, CIPR, HIR, बहुत सारे नाम हैं, मैं एक एक करके सब पे आऊँगी। बट FDR, वेयर इज दिस, ओके, इसको हम फुल डेप्थ रिसाइकलिंग भी बोलते हैं, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन भी बोलते हैं, कुछ भी बोले। FDR का मतलब है जब आपकी पेवमेंट पूरी डैमेज हो जाए या जब आप उसको सबग्रेड से ऊपर की सारी रेयर्स को एक साथ रिसाइकल कर दो, निकाल के दोबारा यूज़ करें, तो हम उसको FDR बोल देते हैं। क्यों मैंने कहा कि आने वाले टाइम में हमारे पास और कोई ऑप्शन बचने नहीं वाला है, अभी ठीक है मध्य प्रदेश में इतना इशू नहीं है, आपके पास काफ़ी एग्रीगेट है, लेकिन ये ज़्यादा देर है नहीं। अगर यहाँ है तो बाकी स्टेट्स में नहीं है। हमें सिर्फ स्टेट वाइज नहीं देखना है, कंट्री वाइज देखना है कि हमारी इस टाइम पे कंडीशन क्या है। इतनी सारी स्टेट्स में ऑलरेडी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट ने क्वैश कर दिया क्योंकि वो 5-5 साल से पेंडिंग है, वहाँ एग्रीगेट नहीं है। सो एग्रीगेट नहीं है तो आप कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? तो बहुत सारी आप लोग न्यूज़ में पढ़ते रहते होंगे, अभी ये वाला प्रोजेक्ट भी बंद हो गया, वो वाला प्रोजेक्ट भी बंद हो गया, हमारे पास कोई वे आउट नहीं है रोड्स बनाने का। सो एक ये स्टडी की गई थी मटेरियल कंजम्पशन पैटर्न्स, उसमें सब जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको स्टडी किया गया कि वो कितना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं इंडिया में और उसका क्या स्टेटस है, आगे आने वाले दिनों में कितना वो हमारे पास प्रेजेंट है। सो उस रिपोर्ट के मुताबिक, वो 2016 में रिपोर्ट जारी की गई थी गवर्नमेंट से, हमारे पास अगले सिर्फ 25 सालों का एग्रीगेट है 2016, और उसके बाद तो इतने हाईवेज बन गए। और ये जो मैं 25 साल के लिए एग्रीगेट की बात कर रही हूँ, इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है, इसमें रोड कंस्ट्रक्शन भी है। तब ये देख लीजिए कि रोड कंस्ट्रक्शन के हिस्से कितना आएगा, एग्रीगेट है नहीं हमारे पास। पूरे कंट्री में ये प्रॉब्लम है, इस टाइम पे काफ़ी जगह ये इश्यूज हो रहा है। अब देखिए हम लोग कारगिल एरिया में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अंडमान में, नीचे इधर नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में भी हमने किया है, शेयर की पिक्चर्स, सब जगह एग्रीगेट का इशू है। तो अगर हम MP में ये मान के बैठ जाएं कि हमारे पास तो बहुत है और हम लोग नहीं करने वाले रिसाइकलिंग, तो ये ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, और हमें दूसरी स्टेट्स के साथ भी शेयर करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज कुछ सेक्शन ऐसे हैं या ये कह लीजिए जहाँ न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ तो रिसाइकलिंग नहीं करेंगे ना, वहाँ तो नया एग्रीगेट ही लगेगा। तो एटलीस्ट जहाँ पे ऑलरेडी रोड एग्जिस्टिंग है आपको उसको रिन्यूअल करना है,
कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करें, नए एग्रीगेट्स को यूज़ ना किया जाए। ये तो बात थी एग्रीगेट्स की। अगर अब हम बिटुमेन पे आएँ तो हम अपने कंट्री में ये VG 30-40 भूल जाइए, चाहे मल्शन हो चाहे कुछ भी हो, 49% ऑफ बिटुमेन जो टोटल कंजम्पशन हमारे कंट्री का है वो इम्पोर्ट से आता है। हमारे पास अपनी रिफाइनरीज की कैपेसिटी नहीं है इतना बिटुमेन बनाने की, तो वी आर डिपेंडेड ऑन इम्पोर्ट कैपेसिटीज, और ये आने वाले टाइम में और बढ़ने ही वाला है, बिकॉज हमारी रिफाइनरीज की कैपेसिटी कॉन्स्टेंट है। हम लोग 5 मिलियन मेट्रिक टन से ज़्यादा नहीं बना सकते, और हमारी अभी रिक्वायरमेंट कितना है, 7 मिलियन मेट्रिक टन इस साल की, अगले साल की 9 मिलियन मेट्रिक टन होने वाली है। तो जब मेरा ये सब कहने का मतलब है कि जब हम रिसाइकल करते हैं तो हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स रिसाइकलिंग के किए हैं, अगर मेरा एक मिक्स की डिमांड है 5% बिटुमेन, तो जब हम रिसाइकल करते हैं तो वो सिर्फ 1% या 2% रह जाती है, बाकी एग्जिस्टिंग बिटुमेन को हम रीयूज़ कर ले रहे हैं। इसी तरह एग्रीगेट्स की बहुत सेविंग हो जाती है। सिर्फ कुछ फैक्ट्स ये मैं हमेशा शो करती हूँ कि इतना सारा गवर्नमेंट अनाउंस तो कर देती है पर हमारे पास मटेरियल है नहीं। नए नए हाईवेज एक्सप्रेसवे बजट में अनाउंस हो जाते हैं लेकिन वो बन नहीं पाते, वो सालों साल तक पेंडिंग रहते हैं। अब नाउ कमिंग ऑन टू रिसाइकलिंग, कि रिसाइकलिंग बेसिकली जैसे मैंने कहा कि जब आप पेवमेंट एग्जिस्टिंग रोड को रिसाइकल करें इररिस्पेक्टिव कि किस लेयर से रिसाइकल कर रहे हो, हमने सब बेस की लेयर से रिसाइकल शुरू करना है या सिर्फ एस्फॉल्ट लेयर से शुरू करना है, तो उन फैक्टर्स को जब हम कंसिडर करते हैं तो रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी का नाम बदल जाता है। बेसिकली है वही कि आप पुरानी सड़क से ही नई सड़क दोबारा बनाएंगे। तो जब मैं प्रोसेस में सिर्फ एस्फॉल्ट को रिसाइकल करें, एस्फॉल्ट सब समझते हैं ना, बिटुमिन विद एग्रीगेट, जब हम सिर्फ बिटुमिनस लेयर को रिसाइकल करते हैं और उसमें हम उसको हीट कर देते हैं तो उसको हॉट रिसाइकलिंग बोलते हैं, और जब हम हीट करते हैं तब हम बिटुमिन को एक्टिवेट कर लेते हैं और वो बिटुमिन हमारे जो नया मिक्स बन रहा है उसका पार्ट बनता है। जबकि कोल्ड में हम हीट नहीं करते तो जो भी बिटुमिन है उसको हम एज अ ब्लैक रॉक मानते हैं, उसको बिटुमिन को एक्टिवेट नहीं कर रहे और वो नए मिक्स का पार्ट एज एन एग्रीगेट बनेगा, एज अ बाइंडर नहीं बनता। ये फ़र्क है बेसिक उसमें। और उसके बाद हॉट और कोल्ड दोनों प्लांट में भी की जा सकती है, साइट पे भी करी जा सकती है। जब आप मिल करके, मिल का मतलब सड़क का मटेरियल निकाल कर प्लांट में ले जाओगे तो उसको हॉट एंड प्लांट रिसाइकलिंग बोल देते हैं। अगर हम वहीं का वहीं करें, बिकॉज आज बहुत सारी मशीन्स हैं, ऑलरेडी आई थिंक 50 रिसाइकलर्स आर देयर इन द कंट्री विच आर वर्किंग, सो अगर हम एग्जिस्टिंग पेवमेंट को वहीं का वहीं साइट पे ही रिसाइकल कर रहे हैं तो उसको हॉट इन प्लेस बोल देते हैं, हॉट इन सीटू या हॉट इन प्लेस। इसी तरह कोल्ड का है, अगर प्लांट में ले जाएंगे तो कोल्ड इन प्लांट हो जाएगा, साइट पे करेंगे तो कोल्ड इन सीटू हो जाएगा। अब आई बात कि कोल्ड इन सीटू भी आगे दो भागों में बढ़ जाता है, उसमें है पार्शियल डेप्थ एंड फुल डेप्थ। दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। नाम आप लोग अगर लिटरेचर पढ़ने जाएं या कोड पढ़ने जाएं, आपको बहुत सारे नाम सुनने मिलेंगे, BSM, FBM, CIPR और FDR, बहुत कुछ है, बट बेसिक फंडामेंटल यही है। और जब हम डेप्थ पे जाते हैं, अगर फुल डेप्थ है तो वो FDR बन जाता है, अगर आप पूरी पेमेंट को, लेकिन सबग्रेड से ऊपर, सबग्रेड को हम टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर पार्शियल डेप्थ है, मान लो ऊपर का मैं 40 मिलीमीटर रिसाइकल कर दे रही हूँ या ऊपर का 80 मिलीमीटर रिसाइकल कर दे रही हूँ, तो उसको हम पार्शियल डेप्थ बोलते हैं। पिक्चर से दिखाती हूँ हाउ इट इज़। लेकिन ये जो मैंने अभी बताया कि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, इनको डिसाइड कैसे करना है, कौन सा रिसाइकलिंग आपको कहाँ करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, और ये एक सिविल इंजीनियर पर डिपेंड करता है कि वो राइट जजमेंट करें। वो जजमेंट कैसे होना है, सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को समझना है कि मेरी पेमेंट में इशू क्या है। अब मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, ये चूँ चूँ क्यों कर रहा है, इज दिस वर्क, नो। सो मान लीजिए सड़क में पॉट होल्स हैं, आपको लगा पॉट होल्स हैं, आप रिसाइकल कर दीजिए सब ग्रेड से ऊपर, कर दिया। लेकिन पॉट होल क्यों आया सड़क में, उसका रीज़न क्या था, मॉइस्चर ऊपर से था या नीचे से था। मान लीजिए सब ग्रेड पॉटहोल का एक रीज़न ये भी होता है अगर आपका सबग्रेड फेलियर हो। अब आपने रिसाइकल तो कर दी लेकिन सबग्रेड करेक्ट नहीं किया, तो आपका पूरा ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा।
सो ये सारे जो फैक्टर्स लिखे हैं कि पेवमेंट असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप जिस भी रोड को रिसाइकल करने जा रहे हैं उसकी इनहेरेंट प्रॉब्लम क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका सबग्रेड में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अब मान लीजिए आपने सिर्फ ऊपर के एस्फॉल्ट लेयर को रिसाइकल कर दिया लेकिन प्रॉब्लम मेरे सब बेस में थी, और अगर सब बेस ठीक ही नहीं हुआ तो आपने ऊपर जो भी ट्रीटमेंट किया वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो आपको उस केस में FDR करना है, आप पार्शियल डेप्थ नहीं कर सकते। सो मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी लगानी है वो डिपेंड करेगा और वो मुझे बताएगा मेरी एग्जिस्टिंग रोड। ये मैंने कल तन्वी मैडम से भी कह रही थी कि और यूपी में भी जो हुआ, आई एम अ पार्ट ऑफ दैट कमेटी जो 5000 किलोमीटर वो FDR करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो हम उनको टाइम टू टाइम टेक्निकल गाइडेंस देते हैं। सबसे बड़ी गलती ये कर लेते हैं कि रोड पे जाए बिना DPR बन जाती है, और ये मुझे पता नहीं है कि रोड में है क्या, उसमें फेलियर कहाँ से आ रहा है, और क्या उसमें ऑलरेडी मटेरियल लगा है, और मुझे उसमें क्या डाल के रिसाइकल करना है। सो ये थोड़े से फैक्टर्स पहले डिसाइड कर लेने वाली बात है, और उसके बाद यूपी में ही किया भी उन्होंने, काफ़ी मेजर रोड्स पे जा जाके पहले ही सैम्पलिंग कर लिया सो दैट दे नो कि उनको DPR में क्या डालना है। सो पेमेंट असेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये हमने आंध्रा में प्रोजेक्ट किया था NH5 पे। कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास आए कि मैडम हमें रिसाइकल करना है टॉप का 80 मिलीमीटर। आई सेड ओके हम डिज़ाइन कर रहे हैं बिकॉज वी डू द डिज़ाइन कंसल्टेशन। तो जब हम लोग रोड पे इवेल्यूएशन करने गए तो मुझे फुल डेप्थ क्रैक्स नज़र आए उसमें। सो इस केस में आप टॉप रिसाइकल नहीं कर सकते, आपको FDR ही करना पड़ेगा या उसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा। सो दिस इज जस्ट अ पिक्चर टू शो दैट द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द पेवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेवमेंट हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें अगर फाइल्स में नहीं मिल रही है तो हम लोग तो खुद जाते हैं सड़क पे वहाँ से सैंपल्स लेकर आते हैं। पेवमेंट हिस्ट्री माने तो कि क्या ग्रेडेशन का मेरा एग्रीगेट यूज़ हुआ है, उसमें क्या बाइंडर्स यूज़ हुए थे, इस सब को हम लोग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं कि हम लोग मटेरियल्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या यूज़ हुआ वहाँ पे। उसके बाद पेवमेंट की एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ कितनी है वो मुझे बताएगा कि कौन सी लेयर वीक है और मुझे कहाँ से रिसाइकल करना है। सो ये सारे पैरामीटर्स एक इंजीनियर को साइट पे जाकर पता लगेंगे। उसके बाद सरफेस बेस एंड सबग्रेड एनालिसिस, जैसे उन्होंने बोला कि जिस लेयर में फेलियर है हमें उसे पता करना बहुत ज़रूरी है, और ड्रेनेज वो तो न्यू कंस्ट्रक्शन हो या रिसाइकलिंग हो, ड्रेनेज पे ध्यान नहीं दिया तो सब ट्रीटमेंट फेल है, राइट। सो ये कुछ पिक्चर्स कि हम लोग प्री प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन करते हैं और किसी प्रोजेक्ट में शुरू करें ना करें, रिसाइकलिंग के हर प्रोजेक्ट में पहली विजिट में जाके हम लोग ये करना शुरू कर देते हैं, साइट पर जाकर टेस्ट फिट करेंगे, हर लेयर की मेजरमेंट होती है, हर लेयर से सैंपल लिया जाता है। बिकॉज अगर मेरे को सबग्रेड की जो भी स्ट्रेंथ है मान लीजिए 5 CBR या 8 CBR पे बनाना है तो मुझे ये पहले इंश्योर करना है कि वो एग्जिस्टिंग सबग्रेड में उतना स्ट्रेंथ है कि नहीं, इसी तरह एग्जिस्टिंग सब बेस में है कि नहीं, अगर मैं सिर्फ ऊपर का एस्फॉल्ट रिसाइकल करने जा रही हूँ। तो ये पूरा सर्वे करना ज़रूरी होता है पहले। तो हमने 2015 में पहला प्रोजेक्ट किया था जिसमें 80 किलोमीटर नेशनल हाईवे 2 वाराणसी टू औरंगाबाद किया, कम से कम 15-16 टेस्ट पिट्स कर रहे होंगे बिकॉज उसमें दैट इज़ अ 4-लेन हाईवे। सो हर लेन से सैंपल उठाया जाता है बिकॉज कई बार ये भी होता है आपकी पहले 2 लेन्स बनी फिर वाइडनिंग हुई, वाइडनिंग के टाइम कहीं और से किसी और कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, उसने क्या बाइंडर यूज़ किया नहीं पता। सो आपको हर लेन से सैंपल लेने हैं और उसके बाद वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करके उनकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। और पेवमेंट कंडीशन सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैंने लिखा है बरेड ऑब्स्टैकल, आई डोंट थिंक सो कि रूरल रोड्स में इतना नहीं होता है बट हाईवेज में होता है। बरेड ऑब्स्टैकल्स का मतलब है कहीं कभी किसी ने उसमें कोई जियो सिंथेटिक तो नहीं यूज़ करा है। अब मान लीजिए उसमें जियो सिंथेटिक यूज़ हो रखा है या जियो फैब्रिक यूज़ हो रखा है और हम लोगों ने चला दिया वहाँ रिसाइकलर, वो तो फंस जाएगा पूरा मशीन और रिसाइकल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ पहले से बरीड है अंदर जियो सिंथेटिक डला है तो आपको लेयर बाय लेयर मेल करना है और उस फैब्रिक को बाहर निकालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिफोर हैंड पता होनी है इससे पहले कि हम सीधी तामझाम लेके कूद पड़ेंगे रिसाइकिलिंग करने जा रहे हैं। रटिंग है तो क्यों है उस चीज़ को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह पॉट होल्स, ये मैंने सब बताया। सो ये पिक्चर हमारी इनफैक्ट बीकानेर प्रोजेक्ट की ही है। सो आप देख सकते हैं इतनी एक्सटेंसिव रटिंग वहाँ हो गई थी। नाउ कमिंग दिख तो रहा है सर,
ये देखो, ये देखो, ये आपने रटिंग मेजर रखो कितना है। वहाँ नीचे से मॉइस्चर आ रहा था, वो मैं पिट में घुस के कैपिलरी एक्शन देख रही हूँ कि मॉइस्चर आ कहाँ से रहा है। तो ये नीचे से मॉइस्चर ऊपर आ रहा था, सो वी हैड टू गो फॉर अ डिफरेंट ट्रीटमेंट। सो ये तीनों, ये है NH5 की फ़ोटो, ये बीकानेर फलौडी हाईवे की, और ये है भरतपुर हाईवे की। सो तीनों अलग अलग पिक्चर हैं, सब जगह अलग अलग इश्यूज हैं। यहाँ पे क्रैकिंग का प्रॉब्लम था, यहाँ नीचे से मॉइस्चर आ रहा है, और यहाँ पे रटिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है सर, तीनों का रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट वॉज डिफरेंट, जबकि करी रिसाइकलिंग ही है, लेकिन हाँ आपको बिफोर हैंड ये सब देख के फिर करना है। नाउ कमिंग टू जो मैं बोल रही थी कि क्योंकि अभी आज की प्रेजेंटेशन में मैं हॉट को अब साइड पे छोड़ रही हूँ, बिकॉज वो अभी TNGSY रोड्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। हॉट रिसाइकलिंग वहाँ होती है जहाँ एटलीस्ट मेरे पास 100 mm एस्फॉल्ट तो हो, 80-50, तभी तो उसको निकाल के मैं करूँगी। आपके पास थिकनेस कम है एस्फॉल्ट लेयर का, तो हम यहाँ पे अभी सिर्फ कोल्ड रिसाइकलिंग की बात करेंगे, हॉट की बात नहीं करेंगे। सो अब कोल्ड रिसाइकलिंग में जब आए, तो जैसे मैंने बोला कि पार्शियल डेप्थ हो सकता है या फुल डेप्थ, वो ये बताएगा कि मेरी पेवमेंट में डैमेज कहाँ तक है। अगर क्रैक्स हैं और मेरे क्रैक्स सिर्फ ओल्ड एस्फॉल्ट लेयर में है, तो वो पार्शियल डेप्थ बन जाता है। और अगर मैंने ओल्ड बेस कोट तक भी लिया है, तो वो भी पार्शियल डेप्थ है, लेकिन मेरी डेप्थ ऑफ रिसाइकलिंग बदल जाएगी, टॉप का 80 करना है या 100 करना है। लेकिन जैसे ही सबग्रेड से ऊपर टच कर लिया, आपने पूरी पेवमेंट को रिसाइकल करने आ गए, हम उसको FDR बोल देते हैं कि ये फुल डेप्थ हो गया। अब इस सब में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो है, ज़्यादा ये जो मई में NRID की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि अगर मेरा सबग्रेड में प्रॉब्लम है तो क्या हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, कभी भी रिसाइकलिंग करने जाएं, सबसे पहले खोद के सबग्रेड तक पहुँच जाओ और चेक कर लो कि आपका सबग्रेड ठीक है। अगर सबग्रेड ठीक नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ऊपर की लेयर्स को रिसाइकल करना या ट्रीट करना। सो उस केस में इन सबको मिल करके पहले आपको ये वाले सबग्रेड को करेक्ट करना है, देन ओनली यू कैन रिसाइकल। और अगर हमारे पास बेस कोर्स की थिकनेस काफ़ी है, तो कई बार हम बेस कोर्स के मटेरियल को सबग्रेड के साथ स्टेबलाइज कर देते हैं एंड वी इम्प्रूव द CBR, उसके बाद ऊपर की लेयर्स पे ट्रीटमेंट करते हैं। सो सबग्रेड इज़ वेरी क्रिटिकल, कभी रिसाइकलिंग मत करने लग जाओ बिना सबग्रेड चेक किए। थोड़ा सा पिक्चर से डिफरेंस, कोल्ड रिसाइकलिंग जिसे हम CIPR बोलते हैं और FDR, तो आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे यहाँ पे जो मेरे रिसाइकलर के ब्लेड्स हैं, या कहूँ कि जो मेरी रिसाइकलिंग है वो सिर्फ एस्फॉल्ट लेयर में हो रही है, तब हम इसको पार्शियल डेप्थ बोलते हैं। इस केस में हम बेस कोर्स तक आ गए, जब देखा कि डैमेज नीचे है तो बेस कोर्स को भी रिसाइकल करने लग गए, तो इसको FDR बोलते हैं। अब कोल्ड रिसाइकलिंग रिमूव्स सिंपली सम पोर्शन ऑफ द पेवमेंट एंड देन इट इज़ सूटेबल व्हेन योर बेस इज़ इन वेरी गुड कंडीशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन योर बेस इज़ इन वेरी गुड कंडीशन, व्हेन बेस इज़ आल्सो नॉट इन गुड कंडीशन, या आपको पूरी पेवमेंट को स्टेबलाइज कर रहे हो, देन यू हैव टू गो फॉर दिस फुल डेप्थ रिसाइकलिंग। इन दिस केस इट एलिमिनेट्स ऑल द क्रैक्स इन द पेवमेंट, क्रैक या कोई भी डेफिशिएंसी, अगर आपके पेवमेंट में कोई भी डेफिशिएंसी है तो फुल डेप्थ रिसाइकलिंग उसको इम्प्रूव कर देता है। सो कॉस्ट सेविंग्स तो हो ही जाती है, बिकॉज आपका टाइम बचता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में जो डीजल लगता है वो बचता है, और उसके बाद एग्रीगेट्स का तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही मेजर है, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स में तो हमने पेवमेंट थिकनेस रिड्यूस करी है, सो अगेन यू हैव लॉट ऑफ मटेरियल सेविंग। अगेन सम पिक्चर ऑन शोइंग कि जो हमारे तीन होते हैं कि नॉर्मली आप देखें तो हम मिल एंड फिल कर देते हैं कि एग्जिस्टिंग पेवमेंट जो मेरी डैमेज है उसको मिल करा और उसके बाद ऊपर दोबारा से नई लेयर दे दी, या फिर ओवरले भी कर देते हैं। तो ये दोनों ट्रीटमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि इस केस में तो ये रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा, ऊपर आप सिर्फ मिल फिल कर रहे हो, और ओवरले के केस में आपकी थिकनेस भी बढ़ती जा रही है पेवमेंट की। बहुत से अर्बन एरियाज़ की ये प्रॉब्लम है, अब हम लोग एक दो स्टेट्स के ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिल्ली में तो मैंडेटरी हो चुका है, PWD इतने मैंडेटरी कर चुके हैं कि उनको मिलिंग ही करनी है, क्योंकि जो रोड का लेवल है वो एस्टेब्लिशमेंट लेवल से काफ़ी ऊपर जाता है, तो बारिशों में पानी उल्टा घर या शॉप्स में जाता है। सो वो भी एक कंसर्न रहता है कि बार बार ओवरले करते जाओगे, वेस्टेज तो है ही, और ये जितने भी क्रैक या पॉटहोल्स होते हैं ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं पेवमेंट पे आके। तो अनटिल अनलेस हम इन चीज़ों को ट्रीट नहीं करेंगे, ऊपर ओवरले डालते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है।
सो उस केस में रिसाइकलिंग इज़ वेरी इफेक्टिव, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग मटेरियल को रीयूज तो कर रहे हैं लेकिन जितने डैमेजेस हैं उनको भी रिमूव कर दे रहे हैं पेपर में से. सो दिस इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट सेव्स द नेचुरल रिसोर्सेज. मेरी पेवमेंट की ओवरऑल कार्बन इंटेंसिटी कम हो जा रही है एंड दिस इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ इन द पेवमेंट अलॉट. जैसे मैंने बोला कि आप लोग अगर लिटरेचर पढ़ने जाएं या कोड्स देखें, गूगल करें, तो आपको ये बहुत सारे नाम पढ़ने मिलेंगे. फोम बिटुमेन, इमल्शन, दोनों से कर सकते हैं, BSM, FBR, CIPR मिक्स, FDR, ये सब टेक्नोलॉजी एक ही है रिसाइकलिंग. सिर्फ जब आप रिसाइकलिंग करते टाइम आप कौन सी लेयर को कर रहे हो, मैं बार बार उस चीज़ पे आ रही हूँ, और किस एडिटिव को यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी का नाम बदला जाता है. बट बेसिक फंडामेंटल वही है. अगर अब आपने फोम बिटुमेन के साथ रिसाइकल कर रहे हो, वो भी करते हैं, अभी TMG-SY में वो कॉन्सेप्ट नहीं आया बिकॉज सब लोग धनाधन केमिकल को ही यूज़ करते जा रहे हैं, वेयरएज फोम बिटुमेन और इमल्शन इज़ अ बेटर कॉन्सेप्ट. तो अगर हम उसको यूज़ करके रिसाइकल करते हैं तो उसको फोम बिटुमेन पेवमेंट्स बोल देते हैं या FBM बोल देते हैं. लेकिन अगर सीमेंट और केमिकल एडिटिव करके यूज़ कर रहे हो तो दे आर कॉल्ड एज FDR और स्टेबलाइज पेवमेंट्स अगेन. सो यस, यू नो, सो सिर्फ इन सब में बाइंडिंग मटेरियल डिफरेंट है मेरा, जो मिक्स को दोबारा बाइंड कर रहा है. टेक्नोलॉजी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सो उसके लिए कन्फ्यूज ना हो. नाउ टाइप ऑफ बाइंडर्स विच आई कैन यूज़ फॉर FDR, पोर्टलैंड सीमेंट तो सभी को पता है, सीमेंट स्टेबलाइजेशन तो हो ही रहा है, तो सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं. जैसा मैंने कहा, फोम बिटुमेन यूज़ हो सकता है, लाइम यूज़ हो सकता है, फ्लाई ऐश यूज़ हो सकता है, इमल्शन यूज़ हो सकता है, एंड देन कम्स दी कमर्शियल केमिकल स्टेबलाइजर्स. आपको यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगी कि पता नहीं इंडिया में हम लोग क्या होता है ना, जो भी चीज़ इम्पोर्टेड होती है उसकी काफ़ी वैल्यू बढ़ा लेते हैं. तो इन केमिकल्स आ रहे हैं तो सब लोग केमिकल्स के पीछे पड़े हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में या यूरोप में, बाकी सब कंट्रीज़ में वो जितना FDR करते हैं वो इमल्शन से या फोम बिटुमेन से करते हैं, वो केमिकल एडिटिव नहीं डालते. वो लोग सीमेंट डालेंगे, सीमेंट के साथ फोम बिटुमेन और इमल्शन डालेंगे. तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, ज़्यादा केमिकल वाले ज़्यादा एक्टिव हैं तो केमिकल एडिटिव्स को यूज़ किया जा रहा है. दे कैन बी यूज बट दे हैव देयर ओन चेकलिस्ट विच नीड्स टू बी इवेलुएटेड बिफोर डिसाइडिंग कि मुझे कौन सा एडिटिव यूज़ करना है. ये टेक्नोलॉजी जो है FDR बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बट हर टेक्नोलॉजी की तरह, जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत में कहा कि जो चार फेलियर इन्वेस्टिगेशन हमने करे वो कन्वेंशनल थे, उसमें कुछ भी रिसाइकल्ड वाला या न्यू टेक्नोलॉजी नहीं था. कन्वेंशनल में भी अगर एग्रीगेट ग्रेडेशन में आप एरर कर दोगे तो पूरे का पूरा हाईवे फेल हो जाता है. सो इन टेक्नोलॉजीज़ के भी चेकलिस्ट है. अगर कन्वेंशनल फेल हो जाएगा तो इनके चेकलिस्ट ज़्यादा इसलिए हैं कि एक तो हम लोग सब अवेयर नहीं हैं और ऊपर से इतने सारे मटेरियल्स बढ़ गए. वहाँ सिर्फ बिटुमेन और एग्रीगेट था, उसी में लोग बाग अभी तक गलती कर रहे हैं, यहाँ तो आपका फोमिंग भी आ गया, एडिटिव भी आ गया, सीमेंट भी आ गया, तो आपका चेकलिस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा. बट अगर हम इसको सही तरीके से करें तो इसके बेनिफिट्स बहुत हैं. कार्बन क्रेडिट्स हैं, एमिशन कम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन जब हम रोड्स करते हैं इतना पोल्यूशन होता है. एक स्टडी की गई थी जिसमें ये निकल कर आया कि जब हम 1 किलोमीटर सड़क बनाते हैं तो उतना पोल्यूशन होता है जितना अगर 210 कार्स को एनुअली 24/7 चलाओ. तो अब देखो कितना पोल्यूशन हम कंस्ट्रक्शन के दौरान कर रहे हैं. सो अगर हम रिसाइकल करते हैं तो मेरा पोल्यूशन लेवल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप और ऊपर से नेचुरल मटेरियल्स को सेव कर रहे हो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो बचाने हैं ही. सो टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन आपको बहुत सारे चेकलिस्ट हैं जिनका ध्यान रखना है, उस पर हम लोग आएंगे. सो ये सारे बाइंडर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. इन बाइंडर्स को सिंगली भी यूज़ किया जा सकता है या कॉम्बिनेशन में भी, जैसे सीमेंट को साथ, ज़्यादातर सीमेंट के साथ कॉम्बिनेशन होता है. केमिकल एडिटिव्स को भी सीमेंट के साथ यूज़ करते हैं. जब मैं फोम और इमल्शन यूज़ करती हूँ तब भी साथ में सीमेंट आता है, बट परसेंटेज कम हो जाती है. और उसके बाद लाइम और फ्लाई ऐश का भी कॉम्बिनेशन है. इस पर हमने काफ़ी बात कर ली कि कौन सी रोड सूटेबल है. सो जिस भी रोड में डिस्ट्रेस 50% से ज़्यादा आ जाए, जब आप पैच रिपेयर्स कर करके थक चुके हो, सो बेटर है उसको आप रिसाइकल कर दें बिकॉज इट बिकम्स एज गुड एज अ न्यू पेवमेंट.
नाउ प्रोसेस क्या है रिसाइकलिंग का, देखिए इसमें भी हमने सबसे पहले ऊपर लिखा है फील्ड इवैल्यूएशन. सो आपको एग्जिस्टिंग रोड को इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पेमेंट कंडीशन सर्वे करना है, डिस्ट्रेस इवैल्यूएशन करना है. इन सीटू टेस्टिंग का मतलब कि जो एग्जिस्टिंग रोड है उसके सैंपल्स लेके पहले उसको चेक करना है, एग्रीगेट चेक करना है कौन सा है. बिकॉज देखिए जब मैं रिसाइकल कर रही हूँ, एंड ऑफ द डे मुझे ग्रेडेशन तो फॉलो करनी है. वो कब फॉलो होगी, जब मुझे एग्जिस्टिंग एग्रीगेट ग्रेडेशन पता होगा. सो हम पेमेंट से मटेरियल निकाल कर लैब में लेके जाते हैं, उसकी ग्रेडेशन करते हैं, फिर मुझे ये पता लगता है मेरी कौन सी सीव का एग्रीगेट मिसिंग है, तो मुझे वही एग्रीगेट और डालना है. सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको इन सीटू सैंपल्स को ले जाकर लैब में टेस्ट करना है. बाइंडर कितना परसेंट है ये भी चेक करना है, तभी मुझे पता लगेगा मुझे और कितना डालना है. कम डालना है तो कितना कम डालना है. सो वो चेक सब बहुत ज़रूरी है. उसके बाद मिक्स डिज़ाइन करते हैं हम लैब में. अब वो डिपेंड करता है आप कौन सा एडिटिव और कौन सी प्रोसेस से जाना चाहोगे, मल्चन से, फोम से, उसके अकॉर्डिंगली मिक्स डिज़ाइन किया जाता है. फिर मिक्स डिज़ाइन करने के बाद लैब सैंपल्स कास्ट करके उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, UCS वगैरह इन केस ऑफ FDR. और अगर हम इमल्शन से या फोम से करते हैं तो हम मॉडुलस चेक करते हैं. अगर सिर्फ जो अभी आपका यहाँ जो यूज़ होने जा रहा है MPRRDA में और जो UP में भी यूज़ हो रहा है, उस केसेस में सीमेंट और एडिटिव है तो हम UCS चेक करते हैं. मॉडुलस पे अभी नहीं जा रहे हैं चेक करने, वो इन कैलकुलेशन है वो इक्वेशन से कर लेते हैं, बट लैब टेस्टिंग UCS का होता है. एंड देन मॉइस्चर कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे और कितना मॉइस्चर डालना है उसके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि एग्जिस्टिंग मटीरियल में मेरे पास कितना मॉइस्चर है. एक बार मिक्स डिज़ाइन हो जाए देन आई नो कि इतना इतना मेरी हर मिक्स का स्ट्रेंथ है. दैट विल लीड टू द पेवमेंट डिज़ाइन. वो सर ने कल आपको बताया कि मॉडुलस वैल्यू डालोगे विच विल टेल यू कि आपका अब आने वाली लेयर का थिकनेस कितना होना चाहिए. उसके बाद कंस्ट्रक्शन, इस सीक्वेंस को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी. एंड देन QA QC, वी विल कम ऑन दिस ऑल्सो. मटीरियल टेस्टिंग सबसे पहले, हर बार इस पर मैं बार बार एम्फोसाइज करूँगी, इसको नहीं भूलना, सब ग्रेड को नहीं भूलना. सो मटीरियल टेस्टिंग करना है एटलीस्ट 3 सैम्पल्स पर किलोमीटर फॉर ऑल दी प्रॉपर्टीज, 1 CBR टेस्ट पर किलोमीटर फॉर ईच टाइप ऑफ सॉइल. अगर वहाँ चेंज हो रहा है आपका CBR टेस्ट टू बी कैरीड आउट एट फील्ड डेंसिटी एंड एट फील्ड मॉइस्चर कंटेंट. और उसके बाद पेवमेंट, ये इसको मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करूँगी, कल गगन बता चुके हैं कि सैम्पलिंग कैसे करना है, आपको क्वार्टरिंग करके करना है. उसके बाद आपको कम से कम 100 से 150 kg एग्जिस्टिंग पेमेंट मटेरियल जो है वो पिट में से लेना है. और उसके बाद जो पेमेंट लेयर को हम रिसाइकल नहीं करेंगे उसका मटेरियल नहीं निकालना. अगर आपने चेक कर लिया एक पिट से कि मेरा सबग्रेड ठीक है तो उसको वहाँ रहने दो, उसके बाद और वहाँ सबग्रेड पिटिंग की ज़रूरत नहीं है. देन मटीरियल फ्रॉम डिफरेंट पिट्स टू बी कम्बाइंड. अब इसको मैं ऐसे बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए 40 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है मेरा, मैंने एक पिट से सैंपल लिया और उसको टेस्ट कर लिया, और उसके बाद 20 किलोमीटर बाद और गए वहाँ से एक पिट लिया और उसको टेस्ट कर लिया, क्या आप उस पर पूरी रोड बना सकते हो? नहीं बना सकते, बिकॉज 40 किलोमीटर में वेरिएशन होगा. सो हमें सैम्पलिंग, और हम ये भी नहीं कर सकते कि मैं हर किलोमीटर के लिए अलग डिज़ाइन देते जाऊँ, वो फिजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी जगह से पिट्स लेकर पहले उनकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेते हैं. अगर लार्ज वेरिएशन नहीं आ रहा तो सारी पिट्स के मटेरियल को इकट्ठा करके फिर क्वार्टरिंग करके फिर उसमें से सैंपल लेके डिज़ाइन किया जाता है. इसको बोलते हैं एवरेजिंग. सो आपको एवरेज आउट करना है. सो हर एक पिट पर ही डिज़ाइन नहीं दे देना, जगह जगह से लेके पर इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है, PI और स्पेशली इन केस ऑफ FDR. बिकॉज हमारे कोड में क्लॉज है, अगर आपका PI लेस देन 10 या 20 है सो आप FDR कर सकते हो या नहीं, और किस मटेरियल से करना है उसके पूरा डिसीजन चेंज हो जाता है. सो आपकी सॉइल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला चेक आफ्टर सबग्रेड हैज टू बी PI, राइट. सो आपको रिक्लेम्ड पेवमेंट मटेरियल, मतलब जो भी आप पेवमेंट से, एग्जिस्टिंग पेवमेंट से मटेरियल लाए उस पर क्या क्या चेक करना है, पार्टिकल साइज एनालिसिस करना है उसका. उसके बाद लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, जैसे बोला LLPI करना ज़रूर है. मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट करना है आपको. उसके बाद UCS, बिकॉज वो तो मेरा डिज़ाइन पैरामीटर है UCS, सो UCS करना है. और उसके बाद UCS एंड प्रॉक्टर टेस्ट, फिर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करना है, और उसके बाद सीमेंट एंड वाटर टेस्ट करने हैं. अब
इसमें भी क्योंकि जितना हम काम करते हैं फिर हमें समझ आता है, तो अभी डिस्कस करूँगी ज़्यादा यूपी का, बिकॉज वो मेरे जहन में हम लोग डे टू डे बेसिस पे उनसे डिस्कशन होता है मेरा और उनके टेक्निकल सुपरवाइजर से भी। तो एक छोटा सा एरर आप देखिए यहाँ पे भी ऐसे भी हो जाता है जिससे पूरा पेवमेंट का एग्जिस्टिंग जो UCS है वो वैल्यू बदल जाती है, जिसके कारण डिज़ाइन आपका पास या फेल हो सकता है। अब यहाँ हमने लिखा है 15 cm³ मोल्ड्स। अब कई बार आप क्या करते हो, क्यूब मोल्ड ना बनाकर हम क्या बना देते हैं जब हम सीमेंट का टेस्ट करते हैं, क्या सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल मोल्ड का भी टेस्ट करके हम ये सोच रहे हैं कि 4.5 एम्पा स्ट्रेंथ आ गई तो मेरा पास हो गया, विच इज़ इनकरेक्ट। हमारे कोड में इक्वेशन दिया है, अगर आपने सिलेंड्रिकल में टेस्ट किया है सो देयर इज़ अ फैक्टर टू बी मल्टीप्लाइड, देन ओनली इट विल बी अ क्यूब स्ट्रेंथ। सो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो हम साइट पे करते वक्त या लैब में लाते वक्त भूल जाते हैं, जो भी स्ट्रेंथ था ये साइट पे चेक करी हो गया, दैट इज नॉट द वे। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दी स्मॉल थिंग्स, ठीक है। सो देन मिक्स डिज़ाइन में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि मुझे अगर कुछ भी एडिटिव डालना है सीमेंट या केमिकल तो उसका डोज कितना होना चाहिए। सो डिफरेंट सीमेंट परसेंटेजेस पे आप सैम्पल बनाओगे, जैसे मान लीजिए 3 से शुरू हुए 3 4 5, सो इस तरह से देन UCS और सीमेंट कंटेंट का ग्राफ आता है, एंड देन आपके पास जहाँ भी 4.5 आ जाएगा आप उस सीमेंट डोजेज को ऑप्टिमम सीमेंट डोज मान के चलते हैं। इन केस अगर आप एडिटिव यूज़ कर रहे हैं तो सीमेंट और एडिटिव का कंबाइंड मिक्सचर जो होगा उसके अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट होगा। उसके लिए आपको OMC और MDD करना ज़रूरी है पहले लैब में, उसके बाद मॉइस्ट क्योरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी जैसे हमने बोल दिया क्योरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो देयर इज़ अनदर केस स्टडी, जैसे हमने जब ये कारगिल जंस्कार में प्रोजेक्ट कर रहे थे तो उनकी स्ट्रेंथ नहीं आए और बार बार NHRDCL उनको फेल कर दे, फिर वो आए CRRI के पास। हम शेयरिंग की आपके साथ भी हो, जैसे अभी आपने बोला कहीं अगर आप मान लीजिए ऐसी जगह FDR कर रहे हो जहाँ आपका टेम्परेचर ही 1°C है, अब जंस्कार में टेम्परेचर बहुत कम है, वो उनका बार बार फेल कर रहे थे कि आपकी स्ट्रेंथ नहीं आ रही। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सीमेंट स्ट्रेंथ तब पकड़ता है जब आपका टेम्परेचर 20 degrees हो, अगर आप 1 degree में करने जा रहे हो तो स्ट्रेंथ गेन स्लो ही होगा, तो हम उसको पास फेल करने से पहले अपने पैरामीटर्स चेक कर लें। अगर क्योरिंग है 7 days का क्योरिंग है तो वो मॉइस्ट क्योरिंग है, मेरे क्योरिंग के पैरामीटर क्या है उनको भी ध्यान रखना है। सो फिर जब हमने लैब में करा तो हमने लैब में डिज़ाइन देते टाइम ACs चलाकर चिलर्स चलाकर उसको उसी टेम्परेचर पे लेकर गए, एंड देन वी डिसाइडेड ऑन दी डिज़ाइन कि अब आपको वैसी कंडीशन में करना है तो अब मेरा डिज़ाइन क्या होना चाहिए। सो ये सारे सिमुलेटिव टेस्ट आप फील्ड इंजीनियर को या आपको लैब में अपना करना है कि मेरी जो फील्ड में कंडीशन होने वाली है उसी को सिमुलेट करके यहाँ करना है, अदरवाइज इट विल बी अगेन अ बिग फेलियर। सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ग्रेडेशन अभी हम ये फॉलो कर रहे हैं, मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज वेरी सून FDR कोड इज़ गोइंग टू कम, मैंने ऑलरेडी लिख के हमने कमेटी को दे दिया है। सो FDR का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एग्रीगेट अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ आप रिसाइकल कर लें। सो अगर ऐसी कंडीशन में भी हम ये इन्फोर्स करते हैं कि ये वाली ग्रेडेशन फॉलो करी जाए तो आपको वही एग्रीगेट डालना पड़ेगा जो एक कन्वेंशनल स्टेबलाइज लेयर में डाल रहे हो, तो फिर FDR कैसे हुआ, फिर तो हम एग्जिस्टिंग पेवमेंट में भी इतना एग्रीगेट डालने जा रहे हैं। एंड ऑल्सो अभी क्योंकि हमारे पास कोड नहीं है FDR का तो हमने स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट भी 4.5 दे रखी है जो कि एक CTB लेयर की है, विच इज़ वेरी हाई फॉर एन FDR पेवमेंट। सो खैर आने वाले कोड में हम उसको भी थोड़ा कम कर रहे हैं कि उतने की ज़रूरत नहीं है FDR लेयर में, स्पेशली व्हेन इट इज़ फॉर रूरल रोड्स। सो वी आर नाउ सेपरेटिंग आउट बाय ट्रैफिक वॉल्यूम, दी FDR कोड फॉर रूरल रोड्स विल बी सेपरेट एंड फॉर नेशनल हाईवेज वुड बी सेपरेट। तो अभी ये वाला ग्रेडेशन आएगा आपके कोड में, आपको ये फॉलो करना है, ये फॉलो नहीं करना है, अगर ये फॉलो करेंगे तो उतना ही एग्रीगेट डल जाएगा। सो दी कॉन्सेप्ट ऑफ FDR विल नॉट बी सफाइस, सो वी हैव टू डू दिस। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट, ये मैंने वही लिखा जो अभी आपसे कहा,
कि अकॉर्डिंग टू अदर कोड्स जो बाकी कंट्रीज में है उनका 2 MPa मिनिमम स्ट्रेंथ है एंड मैक्सिमम इज 5.5 रिक्वायरमेंट, जबकि हम इंडिया में क्या कर रहे हैं 4.5 मिनिमम एंड 7 इज द मैक्सिमम विच इज़ वेरी हाई फॉर एन FDR रोड। सो इन सबको लैब में सारे केमिकल्स को हम लोगों ने एवेल्युएट किए हैं, इंडिया में जितने भी 7-8 एडिटिव्स हैं, सो उन सबको एवेल्युएट करने के बाद देखा कि किस लेवल कितना स्ट्रेंथ हमें होना चाहिए FDR रोड के लिए। सो वी आर नाउ ब्रिंगिंग डाउन दैट 4.5 वैल्यू और इवन PCA ग्रेडेशन रिकमेंड 7-day टारगेट स्ट्रेंथ फ्रॉम 2 to 2.75। सो 4.5 इज रियली हाई, सो वी गोइंग टू रिवाइज दैट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कॉन्ट्रैक्टर, ज़्यादातर आप देखिएगा जब आपको भी आप शुरू करोगे FDR करना, वो अप्रोच करते हैं कि भाई हमारा एडिटिव ले लो, इतना सीमेंट डाल दो, स्ट्रेंथ बहुत अच्छा आएगा, है ना। तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छा भी खतरनाक है। अगर अब आपको 4.5 चाहिए और वो ले आए कि हमारा एडिटिव डाल दीजिए, एक थे आई विल नॉट टेक नेम्स बिकॉज हम लोग तो सबको एवेल्युएट करते हैं, फिर वो हो जाएगा कि मैडम ने वो ओपन फोरम में नाम ले लिया, लेकिन एक पर्टिकुलर एडिटिव जब उन्होंने वो बोला कि बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आएगा और अगेंस्ट आवर रिकमेंडेशन दे हैड पुट इट इन द फील्ड दैट हाई डोजेज, क्या हुआ फिर क्रैक हो गया। अब हाई स्ट्रेंथ कितना हाई लोगे, 4.5 उससे ऊपर तो मत जाओ, 8, 9, 10 टारगेट करना तो ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा डालोगे तो आपके पास पूरा बिकॉज सीमेंट है उसमें, उसमें एडिटिव्स हैं, श्रिंकेज क्रैक आएगा, पूरा फुल डेप्थ पेमेंट क्रैक हो गया उनका। सो कितना ज़्यादा जाना है उसमें नहीं पड़ना चाहिए आपको, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करें बस। ज़्यादा ज़्यादा डोजेजेस काफ़ी बार इंजीनियर साइट पे ये कर देते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाएगी तो मैं ऊपर की लेयर्स की थिकनेस कम कर लूँगा, डू नॉट गेट इन टू दैट ट्रैप। देर इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, फॉलो दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट, उससे ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इन द केस ऑफ FDR। सो जैसे ये लिखा है मैंने दैट ऑल्दो FDR बेसिस कैन बी डिज़ाइन फॉर हायर स्ट्रेंथ बट दी हायर स्ट्रेंथ मे रिजल्ट इन अनडिज़ायरेबल रिफ्लेक्टिव क्रैकिंग इन द सर्फेस लेयर। आई विल शेयर द पिक्चर्स अभी आगे, ऐसा हुआ है कुछ प्रोजेक्ट्स में। सो कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस क्विकली हाउ वी डू इट इन साइड, पहले सबसे पहले सीमेंट स्प्रेडर चलता है हमारा, वो सीमेंट स्प्रेड कर देगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद वाटर टैंकर है, पेमेंट रिसाइकलर है जो आपकी पेमेंट को पल्वराइज करता है साथ साथ, और उसके बाद पैड फुट रोलर, देन मोटर ग्रेडर एंड देन सिंगल ड्रम वाइब्रेटरी रोलर। ये हैं सारे स्टेप्स। सो सबसे पहले आपका जो सॉइल एग्जिस्टिंग रोड प्रोफाइलिंग है वो किया जाता है, उसके बाद सीमेंट स्प्रेडिंग, जैसे मैंने बताया ये साइट पे सीमेंट स्प्रेडिंग हो रहा है। देन स्टेप 3 इज एडिटिव स्प्रेडिंग, ये सब आपका ऑटोमेटिक स्प्रेडर से किया जा रहा है साइट पे। देन इज योर रिसाइकलिंग, इसके यहाँ ब्लेड लगे होते हैं, सो उसमें यू कैन सेलेक्ट दी डेप्थ, अगर आपको कितना डेप्थ तक जाना है फुल डेप्थ वो डाल देंगे तो ब्लेड्स उतना ही अंदर जाके पेवमेंट के मटेरियल को पल्वराइज करते हैं। ये सीमेंट और एडिटिव ऑलरेडी इस पर डला हुआ है, सो जब ब्लेड्स चलते हैं पल्वराइज होता है तो उसका यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाता है। उसके बाद आप कंपैक्शन शुरू करते हैं, उसके बाद आपका ग्रेडिंग आता है, रोलिंग, क्योरिंग, ये सब आप देख रहे हो, पानी भी स्प्रे किया जा रहा है फॉर क्योरिंग। देन सेमी लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक और है, कुछ एडिटिव्स वो भी आएंगे आपके पास जो बोलेंगे कि हमारा एडिटिव डालिए, ये श्रिंकेज क्रैक नहीं देता, सो यू कैन अवॉइड सेमी, नेवर एवर डू दैट। सेमी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द मोमेंट यू आर पुटिंग सीमेंट फॉर द स्टेबलाइजेशन। आप 2% डालें या 4%, कुछ भी बोलें एडिटिव सप्लायर, सेमी हैज़ टू बी देयर, बिकॉज सब कुछ यूज़ करके हमने देखा ऐसा कोई एडिटिव नहीं है जो आपके क्रैक को रेजिस्ट करे, अभी तक तो नहीं आया, हमने क्रैक मेजरमेंट भी करा, सो सेमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब फाइनली क्योर हो गया, सेमी डल गया, देन अ प्राइम कोट एंड योर बिटुमिनस लेयर जो भी आना है। क्वालिटी कंट्रोल में दीज आर दी पैरामीटर्स यू नीड टू टेक केयर, जैसे मैंने बोला कि ड्यूरिंग DPR प्रिपरेशन आपको इन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, आप लोग ने भी टेंडर डाला हुआ है, सो एग्जिस्टिंग पेवमेंट सबग्रेड अदर पेवमेंट लेयर इस सब का इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। आपका ग्रेडेशन प्लास्टिसिटी इन सीटू ये इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है आप DPR में डाल दो कि आपको एडिटिव डालना है, मैं एडिटिव बोल रही हूँ, कोई भी एडिटिव हो सकता है, बिटुमिन या केमिकल एडिटिव, अब उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग को बदल सकता है। अगर आपने ये सारे एनालिसिस पहले कर लिए एंड यू कम टू नो कि आपको ज़रूरत ही नहीं है एडिटिव की, आपका 3% सीमेंट से भी काम हो जाएगा, तो आपकी पूरी कॉस्टिंग बच जाएगी। सो DPR से पहले आप चेक कर लो कि आप किस रोड के लिए डालने जा रहे हो, एटलीस्ट एक सैम्पल, सो दैट यू हैव दैट इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड एंड यू कैन स्पेसिफाई कि मुझे ये डालना है या नहीं डालना है। एंड देन मिक्स डिज़ाइन टू बी अडोप्टेड फॉर FDR, सीमेंट टाइप टू बी रिपोर्टेड,
सेम टाइप ऑफ सीमेंट, कई बार ऐसा होता है कि एक ग्रेड का सीमेंट फील्ड पे चल रहा है लेकिन आपने डिज़ाइन किसी और ग्रेड के सीमेंट से कर लिया, तो ऐसा भी नहीं करना है। एंड देन बिफोर कंस्ट्रक्शन आपको वन सेट ऑफ टेस्ट फॉर ईच लॉट ऑफ सीमेंट हैज़ टू बी डन, वाटर एंड एडिटिव्स। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है कि पल्वराइजेशन पेवमेंट लेयर्स की हो। अब कभी कभी क्या होता है कि रिसाइकलर नहीं है, तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर बोलें कि हम लोग जेसीबी से पेमेंट मटेरियल निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको क्रश कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। नहीं, वो पूरी ग्रेडेशन ही अलग हो जाती है। सो आपको वही फॉलो करना है जो जिससे आपको यूनिफॉर्म ग्रेडेशन मिले। सो दैट हैज़ टू बी सीन। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट टू बी स्प्रेडेड ऑन द पेमेंट शुड बी एग्जैक्टली एज द डिज़ाइन डन इन द लैब। फाइनल लेयर थिकनेस आफ्टर कंपैक्शन, यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ सीमेंट, इन सीटू कम्पैक्टेड डेंसिटी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। अब एक प्रोजेक्ट में बहुत ही, मैं हर स्लाइड पे जहाँ मुझे याद आ जाता है कि मैं अपना फील्ड एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो एक प्रोजेक्ट में बहुत टिपिकल हुआ कि उनका सीमेंट स्प्रेडर जो है वो ख़राब हो गया। सो उन लोगों ने मैनुअल स्प्रेडिंग शुरू कर दी और वो अभी तक एलएनटी का सेक्शन, हम लोग अभी तक उनको रेक्टिफिकेशन कोर्सेज दे रहे हैं, बिकॉज जब उन्होंने मैनुअली शुरू कर दिया करना, देयर कैन बी एन एरर। अब सीमेंट डोज का ये हिसाब है कि अगर मुझे 2% डालना है, अगर वो 2.2 भी डल गया ना तो क्रैक आ जाएगा। इट इज़ सो ऑप्टिमाइज्ड, सो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दैट। कि अगर मान लीजिए अगर कहीं नहीं भी है, ज़रूरी नहीं है सब जगह आपके पास स्प्रेडर हो, सो उसको आप अगेन एरिया मेजर कर लें कि इतना मेरा पेवमेंट एरिया है, इतना मुझे सीमेंट डालना है, तो वो बैग वाइज रख रख कर डोजेजेस, देन डू इट। तो मैनुअली करना भी है, देन वेरी वेरी केयरफुली इट हैज़ टू बी डन, बिकॉज सीमेंट 0.2% भी बढ़ा तो पूरी पेमेंट जो है वो डेंजर में है। सो दैट दीज पैरामीटर्स हैज़ टू बी सीन। जस्ट कि हम लोग कब कर सकते हैं FDR, इवन फॉर फाइंड अ न्यू, दिस सेज दैट व्हेन अनसुटेबल कंस्ट्रक्शन कंडीशंस आर एनकाउंटर्ड, देन वन हैज़ फोर ऑप्शन। जैसे आप बोल रहे हैं ब्लैक कॉटन मिल जाता है कहीं, तो अगर ब्लैक कॉटन है तो क्या आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट बदल देंगे? नहीं बदल सकते, आपको तो वहीं कंस्ट्रक्ट करना है। रीडिज़ाइन द पेवमेंट या रिमूव द न्यू कंस्ट्रक्शन साइट हम कर नहीं सकते। रीडिज़ाइन द पेवमेंट स्ट्रक्चर सो इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन पुअर सॉइल, रिमूव द पुअर सॉइल और रिप्लेस इट विद गुड सॉइल। ये भी बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है कि पूरी सॉइल को बदला जाए। सो वॉट इज़ बेस्ट इज अडॉप्ट सच टेक्नोलॉजीज लाइक FDR, इम्प्रूव द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्जिस्टिंग मटीरियल बाई यूजिंग एडिटिव्स। Mind it, when I'm saying additives, even bitumen emulsion, foaming, cement, all are additives. I'm not mentioning only the chemical additives. So these are the type of stabilizers one can use. Conventional stabilizers में मैंने पहले भी बोला आप lime, cement, fly ash, bitumen कुछ भी use कर सकते हो। Commercial stabilizers में मैंने ये कुछ नाम लिखे हैं। हर stabilizer की advantage अलग है। कोई stabilizer आपको initial strength high देगा, कोई stabilizer durability में improve करेगा। सो यू हैव टू डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ योर डिज़ाइन। ये नहीं है कि आप कोई भी एडिटिव कहीं भी डाल दोगे। अब मैं नाम ले लूँगी, एडिटिव ए है, वो आपको कभी भी हाई स्ट्रेंथ नहीं देगा, बट इट विल गिव वेरी गुड मॉइस्चर रेजिस्टेंस। तो जहाँ आपका मॉइस्चर इशू है, आपको वहाँ वो एडिटिव यूज़ करना है। सो जिस भी रोड को रिसाइकल कर रहे हैं, उस मटीरियल के साथ एडिटिव को पहले आप लैब में एक बार चेक करेंगे। कुछ साइट एग्जांपल्स, जैसे ये एक कन्वेंशनल रोड था जिसमें हमारा पूरा ये कॉम्पोजिशन है। सो जैसे ही हमने उसको सीमेंट के साथ स्टेबलाइज कर FDR रोड बनाई, सो मेरा 40% ऑफ सेविंग वाज ऑन द वर्जन एग्रीगेट, बिकॉज अब मैंने उसका मॉडुलस जो है बढ़ा लिया, जो मेरा एग्जिस्टिंग है, तो WMM1, WMM2 और इतनी सारी लेयर्स डालते हैं हम, उसमें सीमेंट एज एन एडिटिव यूज़ किया गया, उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया, जिसके कारण ऊपर सिर्फ प्रीमिक्स कारपेट एंड आई कुड गेट अवॉइड दीज मेनी लेयर्स एंड आई हैड अ सेविंग ऑफ 40% एग्रीगेट डोजेज। एक और एग्जांपल, अनदर डिज़ाइन जहाँ पे प्रपोज डिज़ाइन वाज दिस मच, ट्रैफिक वाज 20 MA से, CBR एग्जिस्टिंग वाज 9। सो कन्वेंशनल से जब हमने स्टेबलाइज करा उसको, अगेन वी यूज ओनली सीमेंट, नो अदर केमिकल एडिटिव। सो मेरा यहाँ पे 25% क्रस्ट रिडक्शन हो गया, बिकॉज सीमेंट डालते ही आपका इम्प्रूव हो जाता है मॉडुलस। बट अगेन नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कितना डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकते। अप्रॉक्सीमेटली 1,18,000 टन ऑफ एग्रीगेट्स वर सेव्ड।
अपार्ट फ्रॉम एग्रीगेट, अगर वो न्यू एग्रीगेट्स को लाते तो इतने ज़्यादा ट्रक का मूवमेंट होता कि 4000 ट्रक ट्रिप्स होते, और यहाँ पे मेरा लीड डिस्टेंस था 90 किलोमीटर्स। सो 90 किलोमीटर्स पे आप देख लो कितना डीजल हम फूक जाते हैं, तो वो सारा भी एक सेविंग है आपका कि कितना ज़्यादा आप फ्यूल भी सेव कर रहे हो। ये रोड मटीरियल इन द लैब, मेक द क्यूब मोल्ड एंड चेक द UCS। अब जब भी ये करें तो डू इट विथ लेट्स से 3% 4% जो भी आपको ऑप्टिमम सीमेंट डोज आता है, दैट इज़ हाउ वी ऑल्सो डू। 4% सीमेंट डालकर करा, और वो जो भी भाई अपना केमिकल, लेट इट से जियोक्रीट है या जियोक्रीट है या RBI है, जाइडेक्स है, बहुत सारे हैं, एंड है, स्टेबल रोड है, फिर उनका एडिटिव डालिए एंड देन चेक UCS, क्या आपको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। अगर आपका सीमेंट भी 4% है और फिर आप एडिटिव डाल रहे हो, वॉट इज द नीड। या राइट, सो वो आपने नाम ले लिया, मैं नाम नहीं लेती हूँ, बट कई बार बिकॉज ये काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है। हम DRO की एक मीटिंग में भी उन्होंने बोला, मुझसे पूछा था, मैडम ये कुछ करता भी है या बस ऐसे ही हम लोग केमिकल डालते जा रहे हैं। और ये फ्रॉम DRO, आपका उधर कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आप? ओके, यस। सो उनके फील्ड सैम्पल्स मेरे पास आए थे इवैल्यूएट होने के लिए। LSR का जो प्रोजेक्ट था, आई थिंक आप जियोक्रीट की बात कर रहे हैं, जियोक्रीट के सैम्पल थे, अरुणाचल से आए थे हमारे पास, अरुणाचल से। यस, सो आपको ये अगर हम एडिटिव यूज़ कर रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि या तो मेरा सीमेंट बच रहा हो, मान लीजिए 4% से जो मुझे स्ट्रेंथ मिलनी है, अगर वो 2% से मिल रही है एडिटिव डाल के, फिर तो हम डालें। बट अगर मेरा सीमेंट भी 4 है और फिर भी मैं एडिटिव डाल रही, तो क्यों ही डालना है, 4% सीमेंट से कर लीजिए ना, वाई वी नीड टू ऐड एक्सटेंसिव एडिटिव। सेकेंड टेस्ट इज ड्यूरेबिलिटी। कुछ एडिटिव हैं, जैसे आपने जियोक्रीट बोला, एक स्टेबल रोड, जो आपका ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव कर देता है। UCS हो सकता है ना भी इम्प्रूव हो रहा हो, UCS सेम रहे, बट अगर ड्यूरेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रहा है, देन यस इट इज़ अ गुड डिसीजन टू गो फॉर द एडिटिव। बट काफ़ी एडिटिव्स हैं जो कुछ भी नहीं करते, हैं कुछ ऐसे हैं, आई विल नॉट टेक दोज नेम्स है, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और बस फिर भी डल रहे हैं। देर आर डिफरेंट फैक्टर्स, आई विल नॉट लाइक टू मैंशन हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म वो क्या फैक्टर्स हैं। खैर, तो ये चेक करना है कि आपका सीमेंट बच रहा है तो एडिटिव यूज़ कर लो, ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, बिकॉज ड्यूरेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। UCS तो है ही है, वो डिज़ाइन पैरामीटर है, बट ड्यूरेबिलिटी विल टेल यू द लाइफ ऑफ द पेवमेंट जो भी आप करने जा रहे हो, तो ड्यूरेबिलिटी के लिए भी देर आर सम एडिटिव्स विच वर्क रियली गुड। सो दीज आर द पिक्चर्स फ्रॉम दिस उन्नाव अलाहाबाद, जो हमने एक लो वॉल्यूम रोड प्रोजेक्ट किया था। सो यहाँ पे भी फोम बिटुमेन से किया गया, यहाँ पे हमने कोई केमिकल एडिटिव नहीं डाला, 1% सीमेंट एंड फोम बिटुमेन। दिस प्रोजेक्ट आई डिड इन 2020, वी डिड इन नागालैंड। सो यहाँ पे भी आप, ये भी एक डिफ़िकल्ट साइट था। अब देखिए, आप रिसाइकल करने जा रहे हैं और वहाँ पे अगर बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, सो आपको उन्हें पहले निकालना है, बिकॉज वो पेमेंट आप मैक्सिमम साइजेस विच यू कैन गो फॉर इज 40 mm, उससे ऊपर अगर है तो उनको पहले बाहर निकालना है। सो दैट हैज़ टू बी डन, सो यू नीड टू रिमूव दोज बिग बोल्डर एंड देन प्रिपेयर योर सर्फेस, देन यू सी एग्रीगेट इज देयर, एडिटिव इज बींग स्प्रेडेड एंड देन इट इज़ बींग रिसाइकल्ड एंड दिस इज योर सर्फेस डन। अनदर पिक्चर शोइंग अ प्रोजेक्ट, सो ये आप देख सकते हैं कि पूरी रोड पे क्रैक्स आए पड़े हैं, द सर्फेस इज सो हंग्री। सो सीमेंट वॉज यूज अगेन, नो केमिकल एडिटिव विद सीमेंट वी डिड। So this is again showing the complete picture of the process being done. Another example of the project we are doing at Andaman, all the package 2, 3, 4, 7, and 8. So all these packages we are doing with the again FDR, full depth reclamation. So कल सुबह मैं यहीं जा रही हूँ वापस 5 बजे की फ्लाइट से। So यहाँ पर भी अब बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे मैं फिर बोलूँगी कि एडिटिव सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इस पे इसलिए आ रही हूँ बिकॉज हमने अभी पिछले 3-4 साल में जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, काफ़ी तो नहीं, एक दो जगह जो फेलियर आए हैं वहाँ पैरामीटर्स यही थे।
अब ये एक ही अंडमान है, एक ही हमारा ATR है 120 किलोमीटर्स का स्ट्रेच, फोर डिफरेंट एडिटिव्स वर यूज्ड और उसमें से दो पैकेजेस की इतनी बुरी हालत है कि वहाँ रोड के नाम पे कुछ भी नहीं है। अब एक ही सॉइल मटेरियल है मेरा, एक ही लेयर है, एडिटिव्स चेंज हो गए, कुछ कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी डिफॉल्ट्स रहे हैं, बट लेकिन अगेन ऐसा क्यों कि बाकी दो एडिटिव्स सक्सेसफुल हो गए और दो एडिटिव्स फेल हो गए? सो यू नीड टू डिसाइड ऑन द एडिटिव बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ योर एग्जिस्टिंग पेवमेंट मटीरियल। सो यहाँ पे जो हमने पहला पैकेज किया था 45 किलोमीटर का, सो जस्ट आई एम शेयरिंग कितने अमाउंट की हमारी सेविंग्स हो जाती है। 2 लाख टन्स ऑफ एग्रीगेट वर सेव। वी ऑल्सो मेजर्ड कि कितना हमारा कार्बन एमिशन्स रिड्यूस हुए, बिकॉज ऑब्वियसली ऑल दिस टेक्नोलॉजीज आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है। सो अंडमान आफ्टर 6 मंथ्स व्हेन वी वेंट वी टुक सम कोर्स और उनका हमने लेबॉरेटरी में टेस्टिंग किया। ये सारी वहीं की पिक्चर है। सो अभी भी इस टाइम पे हमारी टीम के 2 लोग वहीं पे हैं जो सैम्पलिंग कर रहे हैं। टुमारो आई एम ऑल्सो गोइंग। सो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आपका एग्जिस्टिंग पेवमेंट में क्या स्ट्रेंथ आ रहा है आफ्टर सम टाइम। नाउ दिस वाज़ ए पिक्चर आई वाज शोइंग। ये है वो सेक्शन जो आंध्रा में है और उन्होंने जब हमारी नहीं मानी, हाई सीमेंट डोजेज किया एंड सी फुल डेप्थ क्रैक्स इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। नई पेवमेंट में, पूरी पेवमेंट में पूरा क्रैक है, बिकॉज क्या, आपने डोजेज हाई कर दिया सीमेंट का। अब ये कुछ है कि 18 मंथ्स, 27 मंथ्स, 42 मंथ्स में वी वर मेजरिंग कि हाउ द स्ट्रेंथ इज गोइंग। सो मेरा मैक्सिमम स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट इन 7। व्हाट आर वी डूइंग हियर? इतना ज़्यादा हाई वैल्यू 10 MPa चाहिए ही नहीं, जब इतने पे जाएंगे तो क्रैक ही तो आएगा। जब मुझे चाहिए 4.5 और 7 आफ्टर 28 डेज, व्हाई आर वी एमिंग फॉर हाई? सो बी वेरी क्रिटिकल ऑन द डोजेज ऑफ द सीमेंट एंड द एडिटिव्स। जैसे मैंने बोला हर टेक्नोलॉजी के फेलियर कंसर्न होते हैं, तो उसी तरह इस टेक्नोलॉजी के भी हैं। आई थिंक मैंने काफ़ी इस चीज़ पे बार बार बोल दिया है कि डोजेज का ध्यान रखें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम FDR कर रहे हैं उसके बाद विद इन 3 to 4 weeks इट हैज़ टू बी कवर्ड विद एन एस्फॉल्ट लेयर। अभी मैं एग्जाम्पल दे रही थी अंडमान का, सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये करी, 1 साल के लिए उस पर कुछ किया ही नहीं कि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है, ट्रैफिक छोड़ दो, और इतना बारिश वहाँ होता है कि पूरी रोड का कीचड़ हो चुका है। इतना देर आप नहीं ओपन छोड़ सकते, मैक्सिमम इज 3 to 4 weeks उसको एस्फॉल्ट से कवर करना है, बिकॉज आफ्टर ऑल है तो स्टेबलाइज सॉइल लेयर ही ना, उसमें कुछ भी एस्फॉल्ट लेयर नहीं डालेंगे तो हाउ विल इट, यू नो, ट्रैफिक मूवमेंट से फाइन्स निकल जाएंगे उसमें से, पानी हो गया तो, बारिश हो गई तो पूरा पानी चला जाएगा। सो इट हैज़ टू बी कवर्ड क्विकली। कंसर्न्स, आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। टेम्परेचर क्रैकिंग, जैसे मैंने बोला टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है क्योरिंग के लिए। ट्रैफिक रिलेटेड क्रैक्स ऑल्सो अगेन, FDR लेयर पे ज़्यादा देर आप ट्रैफिक नहीं छोड़ सकते, आपको एस्फॉल्ट से कवर करना ही करना है बिटुमिनस से। प्री क्रैकिंग का ध्यान रखना है। प्रोविजन ऑफ स्ट्रेस रिलीफ लेयर, कोई कुछ भी बोले कभी सैमी को अवॉइड नहीं करना, चाहे एज एन एग्रीगेट इंटरलेयर डालें पर डालना ज़रूर है। उसके बाद डोजेजेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं हर बार बोलती हूँ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज रियली ट्रबलसम कि कुछ भी उठा के एडिटिव डाल दो, कुछ भी डाल दो सब चल जाएगा, ऐसा नहीं है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन चूजिंग ऑल योर एडिटिव्स। बेनिफिट्स तो मैं हर स्लाइड में बोलते ही जा रही हूँ, आप एग्रीगेट बचा रहे हो, विटामिन बचा रहे हो, टाइम बचा रहे हो, फ्यूल बचा रहे हो, एमिशंस बचा रहे हो, सो वी हैव लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस एंड जस्ट राइट ट्रीटमेंट एट राइट पेवमेंट एंड राइट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग बाग हमसे डिज़ाइन ले लेते हैं, मान लीजिए लिया 2020 में, इम्प्लीमेंट करा 2022 में, अब 2 साल में तो पेवमेंट की और ही वसीयत हो चुकी है, उसको वो डिज़ाइन लग ही नहीं सकता जो 2 साल पहले हमने करके दिया था। सो राइट डिज़ाइन एट राइट टाइम हैज़ टू बी डन। इफ़ देर इज़ अ गैप तो काइंडली अपना डिज़ाइन दोबारा कर लें। अगर वहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा का गैप आ चुका है, या 6 महीने का, सॉरी, मॉनसून ट्रैफिक इन सब के कारण, देन यू हैव टू रीडू द डिज़ाइन। सेम डिज़ाइन कैन नॉट इम्प्लीमेंट ऑन आफ्टर अ लॉन्ग गैप देयर। जस्ट एक छोटा सा, खैर ये कन्फ्यूजन अब हम जो FDR कोड बना रहे हैं उसमें क्लियर कर रहे हैं। मेरे डिफरेंट कोड्स डिफरेंट स्ट्रेंथ बोल देते हैं, बिकॉज अभी तक हमारे पास, जैसे मैंने बोला, FDR कोड नहीं था, हम CTB और CTSB को मान के चल रहे हैं। तो IRC SP72 बोलता है कि मुझे 1.7 चाहिए स्ट्रेंथ, वेयर एज IRC 37 एंड SP89 बोलते हैं कि मुझे मैक्सिमम 3 MPa चाहिए फॉर अ रूरल रोड। दिस आई एम शेयरिंग ओनली अबाउट रूरल रोड्स। सिमिलरली यहाँ पे भी यही कन्फ्यूजन है,
मेरा 37 बोलता है 4.5 चाहिए, क्योंकि ये हुआ था हमारे साथ नागालैंड में, जब हमने उनको इस क्राइटेरिया से फेल किया और उन्होंने बोला नहीं मैडम ये वाला लगा दो पास कर दो। सो ऐसे नहीं होता है कि कौन सा कोड क्या लगा देंगे पास हो जाएंगे। खैर इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के होपफुली सून द कोड विल बी आउट, वी ऑलरेडी मेड एंड सबमिटेड इट टू IRC। सो ये सब एक ही FDR के लिए, बिकॉज यहाँ पे CTV CTSB के कोड को हम चेपे जा रहे हैं अभी तक उससे, सो FDR का अपना कोड आ रहा है। सो यू विल हैव मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सॉरी मैक्सिमम ऑफ 3 MPa। सम पिक्चर्स ऑफ द NH प्रोजेक्ट्स, हम वहाँ भी रिसाइकलिंग किए हैं। सो यस थैंक यू। सो वी दिस इज अ टीम, वी हैव ऑलरेडी मेड द FDR कोड, लेट्स होपफुली सून इट विल बी पब्लिश्ड। थैंक यू।